हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के एनसीईआरटी एग्जांपल। एग्जांपल हमने सामने में दे रखा है। अब बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट। एक बैंक है जो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे हमें डिपॉजिट बाय सीनियर सिटीजन, यानी सीनियर सिटीजन को डिपॉजिट करने पे 10% का इंटरेस्ट देता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ड्रॉ द ग्राफ टू इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द सम डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमें ग्राफ रिप्रेजेंट बनाना है, ड्रॉ करना है, जो जितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा उसको उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा 10% उस अमाउंट का। फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ, अपना ग्राफ भी बनाइए, द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन फॉर एन इन्वेस्टमेंट ₹250। हमें ये भी बताना है कि इंटरेस्ट कितना होगा अगर हमारा डिपॉजिट कितना बना रह जाए 250, द इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू बी मेक अगेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी अगर हमारा उसका इंटरेस्ट कितना हो ₹70 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से एक टेबल बना लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दूँ क्या होता है। देखो, फॉर्मूला होता है इसका P × R × T/100। पी यहाँ रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, यहाँ लिखा मैंने प्रिंसिपल। ठीक, आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेट को, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे हमें 10% दे रखा है। टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को, जो भी हमें टाइम होगा। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट लगाया गया है 10% लगाया गया है। ठीक है, नॉर्मली एनुअली ही होगा ये, पूरे साल का एक बार में जो दिया जाता है वो 10% होगा। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से एक टेबल ड्रॉ करते हैं, सम डिपॉजिटेड। ठीक, और यहाँ पे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, यानी एक साल में कितना इंटरेस्ट बनता है। अगर मान लो, मैं एज्यूम करता हूँ अपनी मर्जी से, अगर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, आप ये समझ सकते हो ये हमारा प्रिंसिपल देने का जो सम डिपॉजिट है ₹100 होता, तो अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 100 × रेट में मालूम है कितने साल का निकालें, एक साल का, तो टाइम हमारा कितना होता, 1/100। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹10 का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर 100 की बजाय 200 होता तो 200 × 10/1 × 100 कैंसिल हो गया, कितने रुपये का इंटरेस्ट बनेगा, ₹20 का बनेगा। वहीं 200 की जगह यहाँ पे होता 300 होता। इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यू का लेके यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहे हैं। 300 × 10/1, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ₹30 निकल के आ गया। ज़रूरी नहीं आपको 100 का गैप लेके करना है, आप इसके अलावा कुछ और वैल्यू भी लेके इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो ₹500 ले लिए, 500 पे कितने का बनता, 500 × 10/1 कैंसिल हुआ, कितना आया, ₹50 का आ गया। अगर 500 की जगह मैं ₹900 लूँ तो देखो, 900 × 10/1/100, यानी हमें हर बार प्रिंसिपल वैल्यू को चेंज करना, रेट भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, नीचे 100 भी सेम रहेगा। कितना निकल गया है, ₹900 निकल के आए। क्लियर, ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट है। इसी तरीके से आप चाहो तो ₹1100 का भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं 100-100 का गैप लेना, आप जितना मर्जी अमाउंट लो। 100 × 10 × 1/100 कितना आया, ₹1100 निकल के आ गया। क्लियर, अब इस डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, बट पहले मैं इसकी टेबल ड्रॉ कर लूँ। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 1100 जगह 110 आएगा, यहाँ पे ₹90 आएगा, 10 एक्स्ट्रा लगे गलती से। तो यहाँ पर मैंने इसकी टेबल बना ली, डिपॉजिट एंड एनुअल इंटरेस्ट जो बनता है। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ शीट ली, जिसपे मैंने वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो जो एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके डिपॉजिट को, तो डिपॉजिट हमारा देखो 100, 200, 300 इस तरीके से आ रहा है। तो आपको अपना एप्रोप्रिएट यहाँ पे स्केल चूज़ करना है, ऐसा नंबर जो कि यहाँ पर सेम डिफरेंस के साथ बनाया गया होगा। चाहे आप 50-50 का गैप ले लो, 50, 100, 150, 200 इस तरीके से ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 200, 400, 600 इस तरीके से ले सकते हो। आपको इंटरवल रखना है, सेम रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरवल रखता हूँ 100 का 100, 200, 300 इस तरीके में पूरी टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट, मैंने डिपॉजिट को यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है, 100, 200, 300 करके। और जो हमारा देखो इंटरेस्ट आ रहा है, इस इंटरेस्ट को मैं रिप्रेजेंट करूँगा वाई एक्सिस पे। आप ज़रूरी नहीं कि डिपॉजिट को इस पे लेना, आप डिपॉजिट को इस पे लेके इंटरेस्ट को इस पे भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट में हमारा जो कैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 10, 20, 30, 50, 90, तो इन सभी के नंबरों को शो करने के लिए सारे नंबर नॉर्मली 10 की टेबल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 10 का कैप ले लूँ, 10 20
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. और ये हमारे क्या है, ये हमारे दे रखा है एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। क्लियर। अब करने के बाद इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, 100 पे कितना शो किया गया है 10 रुपीज को, तो नीचे से 100, यहाँ से 10 लेना है। 200 पे 20, नीचे से 200 और इधर से 20, दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया मैंने। अगला 300 पे 30, नीचे से 300 और इधर से 30 ले लिया। अगला 500 पे 50, नीचे से 500 लेना है और इधर से 50 लेना है। अगला पॉइंट हमारा ये आ गया। फिर 900 पे 90, नीचे से 900 लिया और इधर से 90 लिया, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 1100 पे 110, 1100 ये रहा, इस पे लेना 110, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये सारे जितने भी पॉइंट आए, इन सभी पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट, इन सभी पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो हमारी क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इनके कोऑर्डिनेट यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देखो 100 पे कितना आया 10, 200 पे 20, 300 पे 30, नीचे से 500 आया 500 पे 50, फिर 900 पे 90, फिर 1100 पे 110, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया इनको। क्लियर, ग्राफ का हमारा काम हो गया। साथ ही साथ हम इसका स्केल भी यहाँ पे लिख देते हैं, स्केल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। देखो ये हमारी होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मैंने कितने गैप लिया है यहाँ पे, 100 का गैप ले रखा है, तो 1 यूनिट क्योंकि 1 सेंटीमीटर गैप है ना ये वाला, तो यहाँ पे लिखूँगा 1 यूनिट बराबर होगा रुपीज़ 100 के। वाई एक्सिस में भी तो 1 सेंटीमीटर का गैप है ये, इस 1 सेंटीमीटर को मैंने कितने का इंटरवल माना यहाँ पे 10 का, और 10 क्या है वो रुपीज़ के अंदर, तो रुपीज़ 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका अप्रोप्रिएट स्केल हो जाएगा। क्लियर है। आपको सारा काम पेंसिल से करना, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्यों आपको क्लियर नज़र आए इसलिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर पेन का यूज़ किया है। फिर इसका फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है कि बताओ एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन फॉर द इन्वेस्टमेंट 250 रुपीज़, अगर 250 की इन्वेस्टमेंट हो तो इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो 200 ये रहा, 300 ये रहा, इनके बीच में कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करता हूँ, 250 को यहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरेस्ट है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर हम 250 करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा रुपीज़ 25 का। क्लियर, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन रुपीज़ 250 इज़ 25 रुपीज़, 250 के इन्वेस्टमेंट पे हमें 25 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में दे रखा था इन्वेस्टमेंट ऑन वन हैज़ टू मेक अ गेट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ 70, कितनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि 70 का इंटरेस्ट मिले। तो देखो 70 रुपीज़ ये रहा, अब इस लाइन को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। अब इसी पॉइंट को अगर हम नीचे लेके आए तो ये कितने पे आता है 700 पे आता है, यानी कि हमें अगर 70 रुपी इंटरेस्ट में लेना है तो हमें 700 रुपीज़ की क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 700, जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने दिखा दिया, तो सो इन्वेस्टमेंट मेड गैट इन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 70 700, अगर हमें 70 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए तो 700 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और इसी के साथ हमारा ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।